जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। हम रूपचक आ चुके हैं। जैसा कि आने से पहले मैं आपको बताया था, ये मेरा पसंदीदा गाँव है। मैं जब भी गाँव आता हूँ इस जगह जरूर आता हूँ। तो मेरे साथ मौजूद है मेरे कजन, जो कि मेरे खाला साहब भाई है और कामरान टीपू के बड़े भाई है, डॉक्टर अरफान साहब। इनका मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये अपने गाँव की खिदमत करने में बहुत ज्यादा मगन है, सबको छोड़ दें। तो इनसे भी जानते हैं इनके गाँव के बारे में, इनका गाँव कितना पुराना है और ये कब इधर से बाहर है, इनका कब से इधर रह रहे हैं, तो बकाया इधर इसके आसपास कौन से गांव है और इस इलाके की मशहूर शख्सियत क्या है। तो जी तो अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, क्या हाल है आपका। वालेकुम अस्सलाम। तो आप हमें बताया कि ये आपका गांव कितना पुराना है। ये तकरीबन मेरा अंदाजा है कि ये तकरीबन 500 साल से ज्यादा पुराना है। 500 साल से ज्यादा पुराना, यानी कि पाकिस्तान बनने से भी कोई 400 450 पुराना गाँव होगा। जी जी। तो इसकी बुनियाद किसने रखी थी। ये इसकी बुनियाद रखी थी बाबा रूपो ने। अच्छा, बाबा रूपो साहब ने, तो उन्होंने बुनियाद रखी थी। उसके बाद वो इधर ही बात रहे कि जब वो पाकिस्तान बना तो वो इधर से उनका खानदान शिफ्ट हो गया था। नहीं, ये सारा गांव जो रूपोचक है, ये भी सारे रूपोचक के रहायशी हैं। जी जी। और बाहर से आगे भी लोग रह रहे हैं इसमें। जी जी। और इसके अलावा भी रूपोचक से मजीद तकरीबन तकरीबन 35-40 के करीब जो है ना, मजीद गांव भी जो है ना जी जी। वो बन चुके हैं। और जितनी आबादी रूपोचक में है, इससे तकरीबन डबल जो है ना वो रूपोचक से बाहर रहती जी जी। है, मतलब शहरों में और दूसरे गांव जो है ना वहां जाकर रहते हैं। अच्छा, मुझे बताया जब ये पाकिस्तान बना है तो उनके खानदान में से कितने के लोग इधर से शिफ्ट हुए थे। नहीं, इधर से तो सच जो रूपोचक के रेजिडेंट्स हैं वो तो कहीं नहीं गए, जी जी वो तो रूपोचक में ही है। जी, ठीक हो गया। और जो इनके इधर जो दूसरे हिंदू और सिख रहा करते थे जब पाकिस्तान बना है, तो वो जी जी। छोड़ के चला गए थे। अच्छा। उनको फैसिलिटेट किया था अच्छा। यहाँ से जाने में। जी जी। और जो इसके अलावा भी जो कुछ लोग जो यहाँ रहने वाले थे, वो तो कुछ मुस्लिम हो गए थे और दूसरे जो अपना जो इनके हिजरत करके आए थे, वो भी हमारे गाँव में कुछ हैं। अच्छा, यानी कि आपके मुताबिक जो इधर बच गए थे, यानी कि ये जो गाँव के बासी है, इनमें से है तो वही उन्हीं की लड़ी में से सारे, इन्होंने लेकिन इस्लाम कबूल कर लिया था और ये पाकिस्तान में ही स्टे कर लिया था। अच्छा, मुझे बताया कि इस इलाके की मशहूर शख्सियात कौन कौन है जो कि पाकिस्तान बनने से लेके या उससे पहले जो अब तक चलती आ रही है और अब तक वो इस इलाके में बैठे हुए हैं। रूपोचक में जो चौधरी सरवर जो है ना, वो रूपोचक की मशहूर शख्सियत। चौधरी सरवर साहब। हाँ जी। और वो पाकिस्तान बनने से लेकर ताहियात अपने इनके एमएनए रहे थे। अच्छा, एमएनए रहे थे जी। तो वो कौन सी पार्टी से इलेक्शन लड़ते रहे हैं। वो नून लीग से बिलोंग करते थे। अच्छा। और जब नवाज शरीफ गया था सऊदी अरब, तो वो अपनी जगह पर पाकिस्तान का इनके हेड चौधरी सरवर को बना कर गया था। लेकिन देखे ना, पाकिस्तान बना तो 1947 में था जी, जबकि नून लीग तो बनी है 1993 या 1994 के बाद। उससे पहले जब पहली दफा नवाज शरीफ वजीर आजम बने थे, वो तो आईपीपी के तहत से बने थे, वो तो नून लीग के प्लेटफॉर्म से नहीं बने थे। तो मेरे पूछने का मकसद है कि चौधरी सरवर साहब उससे पहले, नून लीग से पहले किस जमात से चलते आ रहे थे, क्या मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ते रहे। उसका मुझे ऐसा पता नहीं है। अच्छा, तो बाकी जो है ना, यानी कि जब से हमें पता है तो ये नून लीग को सपोर्ट करते थे और नून लीग से ही बिलोंग करते। यानी कि आपके मुताबिक, यानी कि जब से आपने होश संभाला, आप उन्हें नून लीग के ही प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ते देख लिया। जी जी। अब जबकि अभी जो उनके औलाद वगैरह साहबजादे हैं, चौधरी मंसूर सरवर। चौधरी मंसूर सरवर, अगर मैं गलत नहीं, तो कहीं मौत नहीं, जो पीटीआई में है। हाँ, वो पीटीआई में। आई थिंक उस रोड के हल्के से उनका बेटा एमपीए का इलेक्शन भी लड़ता रहा है। जी जी, ठीक हो गया। और अब उनकी जगह इस हल्के से नून लीग का कौन सा कैंडिडेट है। नौली का चौधरी अवैस कासिम खान। चौधरी अवैस कासिम, वो एमपीए के कैंडिडेट है, एमएनए के कैंडिडेट है। एमपीए के कैंडिडेट। अच्छा, और एमएनए का कैंडिडेट इस हलके से कौन आ रहा है। दानियाल अजीज। अच्छा, तो उसकी क्या पोजीशन क्या है और आपकी राय क्या है उसके बारे में। वोट जो है ना, यानी कि जो अवाम है, पब्लिक, तो पीटीआई के हक में है जी। और वोट भी चलो वो देखते हैं, वो ज्यादा बहस है सियासत का, उससे आपसे इंशाल्लाह सिटिंग होगी तो आपकी राय लेंगे। से बात है, आप इस इलाके की इतनी खिदमत करते हैं, आप लोगों के माइंडसेट को भी जानते होंगे, लोगों के रवैये को भी जानते होंगे और आपको अंदाजा भी होगा कि इस दफा आपके गांव के लोग किसको वोट करना चाह रहे हैं। वो आपसे तफसीलन उस बारे में बात करते हैं अगली वीडियो में। अभी तो हम रूपोचक की थोड़ी सी हिस्ट्री देख रहे थे कि ये है। अच्छा, आपके अंदाजे में ये टोटल रकबा जो रूपोचक का है, ये कितने एकड़ पे फैला हुआ है। ये तकरीबन 500 एकड़ के करीब तो होगा। अच्छा, 500 एकड़ के करीब आपके आसपास
होगा, लेकिन इसकी आबादी में अभी ऑलमोस्ट सारा गांव विजिट करके आया हूँ, आबादी तो बड़े कम से एरिया में है। हाँ, वो मैंने पहले भी बताया कि जितनी आबादी गांव के अंदर रहती है उससे कहीं ज्यादा जो है ना वो मुख्तलिफ जगह पर मूव कर चुके हैं, यानी कि जफरवाल या दूसरे जो दूसरे। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे इस गांव के रकबे के बारे में, तो आपने बताया 500 एकड़ है रकबा, या उसके अलावा मुझे बताए कि इस गांव का जो आसपास गांव है उसमें सबसे ज्यादा मशहूर गांव कौन सा है जिससे इस गांव की नहीं बनती, क्योंकि गांव के बारे में ही वो बात होती है, ये साजल है गांव का, ये है वो है, तो इस तरह का इधर क्या रवैया लोगों का, बातें ये है कि इस तरह का कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसा चैसा तो कुछ नहीं है, यानी कि शांति है। जो इर्द गिर्द के गांव के लोग हैं वो भी बल्कि रुको जाकर ही तारुफ कराते हैं। अच्छा, यानी कि साथ हमारे जो छोटे गांव हैं वो अगर आगे पीछे गए हो तो वो यही के बताते हैं कि हम रुको जाकर से बिलोंग करते हैं। चलो ठीक हो गया। खैर, मुझे तो जाती तौर पर भी आपका ये गाँव बहुत पसंद है, मैं तो जब भी इस एरिया में आऊँ तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि मैं रुको चक ना आऊँ, मैं इधर से लाजमी विजिट करके जाता हूँ। तो खैर, आपके साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया अरफान साहब का, आपने हमें टाइम दिया और अपने इलाके के बारे में थोड़ा सा आगाह किया, तो इंशाल्लाह तफसीलन वीडियो बहुत जल्द दोबारा इसके बारे में लेके आएंगे, इसके आसपास जो गांव है उनकी हिस्ट्री क्या है। तो आपका भी शुक्रिया, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, दुआ में याद रखिएगा जुनेद भट्टी।